हाँ, अभी ली गई है मूंग दाल की पकौड़ी। तो ये पकौड़ी उस हिसाब से ली गई है। मालिक, इतना खर्चा हो ही गया है तो चिप्स का पैकेट ले ही लो। खड़ा हो गया। ये थोड़े अलग है, हमारे वहाँ थोड़े अलग है, ये वाले मंकी अलग है। तो अभी स्टॉल पे खड़े हुए हैं, तो क्या हुआ कि यहाँ पे फास्टैग करवा लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जितने भी टोल आ रहे हैं उन सब में टोल डबल लग रहा है। तो फिलहाल है हम हीरापुर में, और यहीं से अपन ने अपना अगला व्लॉग एंड किया था, और एक और चाय के साथ और इस प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ इस नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अपना ये चौथा पार्ट है, और यहाँ से जर्नी कंटिन्यू करेंगे अपन खजुराहो की। तो व्लॉग में बने रहिएगा, मैं इतने में चाय का मज़ा ले लेता हूँ। तो ये हमारी दूसरी चाय थी, पहली चाय मैंने अपने अगले पार्ट में पी। तो सारे पार्ट देखने हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तो शुरू से वीडियो को देखिएगा। तो मैं टी एंजॉय कर रहा, और मेरे साथ हैं सुनील, निखिल एंड प्रीतेश एंड यश। तो अभी हमारा नाना वगैरह बाकी है, तो खजुराहो जाके नाना वगैरह करेंगे। तो ये टी खत्म करके फटाफट निकलते हैं अपन अपनी जर्नी पे। हाँ, अभी ली गई है मूंग दाल की पकौड़ी। तो ये पकौड़ी उस हिसाब से ली गई है, मालिक इतना खर्चा हो ही गया है तो चिप्स का पैकेट ले ही लो। तो उस हिसाब से ये पकौड़ी ली गई है सुनील की फरमाइश पे। सीरियसली मूंग दाल के पकौड़े बड़े ही शानदार थे, इसलिए हमने फिर मंगाया अल्टीमेट। और ये चटनी तो और भी प्यारी सी। तो चलिए अब चलते हैं अपनी जर्नी पे वापस कंटिन्यू। सीट बेल्ट वगैरह लगा देते हैं, क्योंकि सेफ्टी इज फर्स्ट। चले, हर हर महादेव। महादेव के नाम के साथ एक बार जर्नी की शुरुआत फिर से हो चुकी है, और हमारे नए ब्लॉग की भी। और एक चीज अपन मिस आउट हो गए थे, अपने प्यारे से ब्लॉग की एंट्री। गुड मॉर्निंग, हेलो, नमस्ते, दिस इज योर विकास कलाल, वेलकम बैक अगेन योर यूट्यूब चैनल विकास की एंट्री, एंड वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। तो यहाँ पे दिख रहे हैं प्यारे प्यारे से मंकीज, बहुत ही प्यारे मंकी है, गाड़ी के पास आ गए एकदम से, लाल कितने प्यारे हैं। प्यारे प्यारे मंकी आए हुए हैं, तो प्यारे प्यारे से मंकी, और खतरनाक है, खतरनाक डेंजर, छोटे छोटे मंकी। आवाज की नहीं करेगी। रेड रेड मुंह वाले मंकी हैं, और बड़े ही प्यारे और छोटे छोटे मंकी थे। और ये जुगाड़ सेक्शन, ये ग्रीनरी और ये जंगल, क्या लग रहा है। और गाड़ी चलाने में भी मजा आ रहा है, और व्यू तो पूछो ही मत यार। और सामने बहुत सारे मंकीज एक साथ रोड पे। तो अभी गाड़ी एक बार फिर मैं रोकूंगा यहाँ पे एकदम साइड में, और मैं यहाँ पे वीडियो लूंगा। देखिए, मैं मंकी को प्रसाद डालता हूँ रोड पे। बहुत सारे आ गए, बहुत सारे। ये बड़ा डेंजर है, बड़ा ही डेंजर, किसी को खाने नहीं दे रहा है। बिग बुल खड़ा हो गया। ये थोड़े अलग है, हमारे वहाँ थोड़े अलग है, ये वाले मंकी अलग है। तो बड़े ही प्यारे लग रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहा मैं। फिलहाल है हम गुवारा में, और खजुराहो यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर, 95, और छत्रपुर है 50 किमी की दूरी पर। हीरापुर से अभी हम 50 किलोमीटर आ गए हैं, 100 किलोमीटर और जाना है, मतलब 95। हमारी जर्नी का एक और टोल प्लाजा आ चुका है, और आज के दिन का भी पहला टोल। तो अभी स्टॉल पे खड़े हुए हैं, तो क्या हुआ कि यहाँ पे फास्टैग करवा लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जितने भी टोल आ रहे हैं उन सब में टोल डबल लग रहा है। तो रात को भी हमें पता नहीं चला, और 140 रुपीस लगे, 70 रुपीस था जबकि वहाँ का टोल। तो हर जगह डबल लग रहा है, तो अपन फास्टैग करवा ही लेते हैं, यहाँ सुविधा थी फास्टैग की, तो फास्टैग करवा लेते। तो चलिए, अपना फास्टैग बन चुका है, और मतलब अपना नहीं, अपनी गाड़ी का फास्टैग बन चुका है, और अपन चलते हैं, और साथ में टेस्ट भी ले लेते हैं। तो अपने फास्टैग ने वर्क किया, और मैंने ये जो फास्टैग है वो यहाँ पे लगवाया नहीं, क्योंकि ये ग्लास चेंज करना तो ये फिर कुछ काम का नहीं रहेगा बाद में। तो अपन इसको यूँ बताते रहेंगे हर जगह, पन्ना 96।
अभी हम छत्रपुर पहुंचने ही वाले हैं। 8 किलोमीटर की दूरी पे है छत्रपुर और यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर रहा है खजुराहो, तो एक आध घंटा और लगने की संभावना। मेरी बार बार नज़र वहाँ जा रही है, मतलब आई कांटेक्ट नहीं बन पा रहा क्योंकि गाड़ी भी स्पीड है, तो मैनेज कर लेना। आगे भी देखना ज़रूरी है क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो ये चीज़ें भी ज़रूरी है। और नज़ारे तो आप देख ही रहे हो, बड़े प्यारे। और ये जो रोड है बड़ा ही प्यारा और स्ट्रेट है, सीधा, मतलब टर्न वगैरह नहीं है। और मध्य प्रदेश की एक खासियत जो कि आप देख भी रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, हरियाली बहुत ही ज़्यादा है और जंगल यही इसको ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। जरा सी रोड की तारीफ तो क्या कर दी, रोड तो बुरा मान गया, वापिस खराब आ गया। ये रोड बेकार है, चलो बुराई करता हूँ, देखे अच्छा रोड आता है या नहीं, पता चलेगा। तो लो जी, रोड भी अच्छा आ गया है और महाराजा छत्रसाल की नगरी छत्रपुर में आप सभी का स्वागत और खुद का भी स्वागत करता हूँ। तो छत्रपुर आ चुका है और यहाँ से डाइवर्ट होगा खजुराहो रोड, अभी यहाँ से राइट टर्न लेंगे खजुराहो की तरफ। आवाज कम यार, कोई ट्रैफिक नियम नहीं है यहाँ पे, बड़े ही आराम से, बड़े ही आराम से, आराम से, आराम से। यह रोड सीधा जाएगा खजुराहो स्टेट, यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पे है मात्र, तो आधा घंटा हमें और लगना चाहिए, तो चलिए फटाफट इसको भी कवर कर लेते हैं। पुर से निकल गए हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो बस इस ब्रिज को क्रॉस करना है और फिर अपन निकल जाएंगे सीधे हाईवे पे। मुस्कुराइए, आप है स्टेट हाईवे 39 पे, खजुराहो 39, सामने बोर्ड पे लिखा हुआ पन्ना 62, सतना 135। आज से करीब 6 साल पहले हम आए थे, ये सिंगल पट्टी रोड था और अब ये बन चुका हाईवे, मतलब ये बड़ा हो चुका है समय के साथ। हमारा निखिल है, वो कुछ कह रहा है, वो कह रहा है कि यार कल से गाड़ी में घूम रहे हैं ऐसा लग रहा है, फिर शाम को सांची पहुंचे, आज भी गाड़ी में घूम रहे हैं और खजुराहो अभी पहुंचेंगे। तो ऐसा है, निखिल को बोलना चाहूँगा या हर किसी को बोलना चाहूँगा कि असली मज़ा जो होता है वो होता है सफ़र में। मंजिल तो सबको पता है, जैसे अपनी ज़िंदगी की बात करें तो मंजिल है मौत, लेकिन असली मज़ा होता है जो ज़िंदगी जीते हैं, जो सफ़र है उसमें होता है। तो मंजिल पे तो जाना ही है हर किसी को, लेकिन जो बीच में सफ़र का आनंद है ना, उसका अलग ही एक लेवल होता है और उसका अलग ही मज़ा होता है। तो फील करो और चिल करो, जैसे कि ये रोड कितने खूबसूरत है, तो ये भी तो नज़ारे हैं, तो इनका भी मज़ा लेना चाहिए। बीच में जंगल आया, मंकीज आए, वो हमें खजुराहो में नहीं देखने मिलेंगे और न ही अपने घर पे देखने मिलेंगे, वो बीच के सफ़र में देखने को मिलते हैं। तो सबसे जो मज़ेदार चीज़ होती है वो होता है सफ़र। अचानक इस रोड पे फॉग फॉग, दूर तक फॉग दिख रही है और क्या नज़ारे हैं, क्या नज़ारे, दूर दूर तक फॉग। रहा है खजुराहो मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पे, हाईवे जो ऐसा मिला है पता ही नहीं चल रहा है, मैं समझा आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा भी नहीं लगेगा। रोड बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन अपनी जो स्पीड की लिमिट है अपन ने फिक्स रखी है वही 100 के आसपास, क्योंकि हमारे वहां कहावत है, खाना पराया हो तो क्या हुआ, पेट तो अपना है। हाईवे अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि दे दे भगाया जाऊं, सफ़र में आए हैं तो सफ़र के आराम से मज़े लेंगे और आराम से ही जाना है, कोई जल्दी नहीं है घर पे जाने की, वैसे भी 4-5 दिन की छुट्टी है, वैसे 10 दिन की है लेकिन 5 दिन की घूमने की छुट्टी है। टोल प्लाजा आ चुका है, फास्टैग में बता रहा हूँ।
खुल चुका है। यार ये फास्टैग जो हाथ में लेके यूं बताना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, टिपिकल होता है। तो अभी हाईवे छोड़ने की बारी आ चुकी है, मतलब हाईवे छोड़ने का टाइम आ चुका है और अभी लेंगे हम लेफ्ट टर्न जो कि जाएगा खजुराहो। और यहाँ से खजुराहो मात्र अब रहा है 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे। बस खजुराहो आने ही वाला है और बहुत सो को खजुराहो के नाम से दिमाग में कुछ उल्टा ही चलता है, मतलब बहुत से अलग अलग ख्याल आते हैं। तो असलियत क्या है ये भी आपको बताऊंगा मैं आगे जाके। तो ऐसा नहीं है जैसा आप सोचते हो, खजुराहो का नाम पढ़ते ही एक अलग ही पिक्चर, एक अलग ही छवि बनी हुई है पूरे हिंदुस्तान में। क्या खूबसूरत नज़ारे, नज़ारों की बात अलग ही है यार, एकदम शानदार ग्रीनरी, छांव, ठंडक, मतलब एक अलग ही फील आ रहा है। और ये आ गया खजुराहो एयरपोर्ट, खजुराहो हवाई अड्डा और इंडियन फ्लैग। तो आप यहाँ पे हवाई यात्रा से भी आ सकते हैं और रेल यात्रा से आना है रेल मार्ग से तो आपको छत्रपुर होके आना पड़ेगा। वेलकम टू द खजुराहो, खजुराहो में आप सभी का स्वागत है। और आप जानते हो साथ में खुद का भी और अपने साथ सभी दोस्तों का भी। तो सीधा जाना है पहले पश्चिमी मंदिर समूह। टिकट लेना पड़ेगा, आशा होटल वाला गाइड है, गाइड गाइड है। तो गाड़ी को अपन ने पार्किंग में लगा दिया और अपन पहुंच चुके हैं खजुराहो। और अभी यहाँ के बारे में बताने से पहले इस व्लॉग को एंड करेंगे और अपन मिलते हैं अगले व्लॉग में ताकि पूरा विस्तार से बता सकूं आपको यहाँ के बारे में। तो इस प्यारे से वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, ये रोड ट्रिप पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करने का रीज़न भी आप जानते ही हो कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए, अगर मैं इसको इसी में कवर करूँगा तो बहुत सी चीज़ें मुझे छोड़ देनी पड़ेंगी। तो बस इस प्यारे से व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं अपन अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम एंड बूम।